रुद्र और मेरे बीच में कोई तो स्पार्क है। नहीं मानते? खुद ही देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय सिनेमा की अभिनेत्री राशि खन्ना के बारे में। जो आपको बता दूं दोस्तों, साउथ की फिल्मों में काम करती है, तेलुगु और तमिल इंडस्ट्री में काफी ज्यादा फेमस अभिनेत्री है राशि खन्ना। इनकी बायोग्राफी लाइफ स्टाइल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। राशि खन्ना के बारे में दोस्तों आपको बताओ, इनके पर्सनल लाइफ के बारे में, तो वास्तविक नेम इनका राशि खन्ना है। 31 साल 2022 में इनकी उम्र हो चुकी है। पेशे से अभिनेत्री है। जन्म इनका 30 नवंबर 1990 को नई दिल्ली भारत में हुआ है। गुरुग्राम हरियाणा में ये रहती है, पालम विहार में। भारतीय नागरिकता इनके पास है, हिंदू धर्म से ये बिलोंग करती है। फिजिकल स्टेटस की बात करूँ दोस्तों तो आपको बता दूँ, आंखों का रंग गहरा भूरा है, बालों का रंग काला है, कद इनका 5.6 फीट है, वजन इनका 57 किलो है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं दोस्तों तो आपको बताऊं, स्कूल की पढ़ाई इन्होंने सेंट मार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल पब्लिक दिल्ली से की है, और ग्रेजुएशन की पढ़ाई इन्होंने लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वीमन नई दिल्ली भारत से की है। अंग्रेजी में बीए किया है इन्होंने। शादी अभी तक इन्होंने नहीं की है। और फैमिली के बारे में बात करूं दोस्तों तो आपको बता दूं, इनके पिता का नाम राज के खन्ना है जो मेट्रो सेल्स कॉरपोरेशन में कार्यरत है, और माता का नाम सरिता खन्ना है, भाई का नाम रौनक खन्ना है। लाइक और डिसलाइक चीज़ों की बात करूँ दोस्तों तो आपको बता दूँ, गाना, कविता पढ़ना और यात्रा करना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सफ़ेद रंग इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। फेवरेट अभिनेत्री काजोल है, और आपको बता दूँ फेवरेट मूवी इनकी बाहुबली है। राशि खन्ना के दोस्तों अगर मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करूँ तो आपको बता दूँ, दिल्ली में जन्म हुआ है इनका और पली बड़ी है, पंजाबी परिवार से ये बिलोंग करती है। इसके अलावा आपको बता दूँ, स्कूल के दिनों में अंग्रेजी इनका पसंदीदा विषय था। एक होनहार छात्रा थी और 12वीं में इन्होंने स्टेट में टॉप किया था। वह दिल्ली भारत में अपनी एजुकेशन की पढ़ाई पूरी की है, और विज्ञापन फिल्म के लिए कॉपी राइटर बनना चाहती थी। बचपन में उसने एक मॉडल के रूप में अपने करियर की शुरुआत विज्ञापन से की, और फिल्म शूट और रैंप वॉक से की है जुलाई 2009 में, और 2014 में फिल्म जोरू के लिए अपना पहला तेलुगु फिल्म जोरू गाया है इन्होंने। मद्रास केपे की रिलीज के बाद निर्देशक श्रीनिवास अवसारला ने तेलुगु फिल्म उहालू गुस्सा गुसल दे 2014 की पटकथाली के लिए इन्हें संपर्क किया था। OTT प्लेटफॉर्म पर राजनिर्मो द्वारा निर्देशित एक अनटोल्ड वेब सीरीज और द फैमिली मैन सेम कृष्णा डीके के साथ ये डेब्यू कर रही है, और आपको बता दूँ फिल्मों से वे पहले विज्ञापनों में अभिनय करते और विज्ञापन के लिए कॉपीराइटर भी थी। एक गायिका यह बनना चाहती थी, और जैसे जैसे बड़ी हुई इनकी पढ़ाई में रुचि चली गई, और एक IAS अधिकारी भी यह बनना चाह रही थी। उन्होंने आपको बता दूँ, पी उन्नीकृष्ण द्वारा निर्देशित मोहनलाल और विशाल अभिनीत विलेन के साथ मलयालम में शुरुआत की, और फिल्म में एक पुलिस वाले की भूमिका भी इन्होंने निभाई है। तो दोस्तों ये थी राशि खन्ना के बारे में इनकी बायोग्राफी लाइफ स्टाइल। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी अन्य अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।